हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे पांच बुरी आदतें जो इंसान की सफलता पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल करता है। अगर ये हैबिट्स आपके अंदर है तो आपको भी सक्सेस अचीव करने में प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्द ये आदतें अपने ज़िंदगी से दूर करने की। सबसे पहले सबसे बुरी आदत जब इंसान की कंप्लेंट करने की आदत होती है कि मेरे साथ ये हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अगर मेरी ये सिचुएशन ना रहती तो मैं शायद अच्छा कर पाता, या मेरे साथ ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता। मतलब कुछ लोग हमेशा एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो सॉरी, सबसे पहले स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स और एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। मैंने ऐसी ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जिसमें लोग बहुत बुरी कंडीशन में रहकर भी बहुत हाइट्स पर पहुंचे हैं। तो आप ये समझिए कि जब हमें कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे को सिर दर्द हुआ तो हमने एक गोली खा ली, हमारा सिर दर्द, छोटी प्रॉब्लम छोटा सोल्यूशन। अगर बड़ी प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन भी बड़ा होगा। तो अंडरस्टैंड, जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है वो ज़िंदगी में उतना ही सक्सेस अचीव कर सकता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें कंप्लेंट नहीं करनी है, हमें अपने कर्म करते रहना है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ जब इंसान अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगता है, ये सबसे बुरी आदत है। सेकेंड नंबर है ये कि आपकी अगर आदत हो जाए ना कि मैं अपने आप को हर समय हर चीज़ में कंपेयर करता हूँ कि तूने गाड़ी ले ली, मुझे भी गाड़ी लेनी। जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, उससे तीन प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले तो आपने अगर कुछ भी अचीव किया है वो आपका दुख में कन्वर्ट होगा, इट किल्स योर अचीवमेंट्स। बाय चांस आपने कोई नया ड्रेस लेके आए लेकिन आपकी फ्रेंड कोई और ड्रेस ले आए, वो कोई अच्छे ब्रांड का ले आई, तो आप कहोगे अरे यार उसने तो मुझसे अच्छा ड्रेस ले लिया। तो आपका जो अपना ड्रेस लेने का खुशी था ना, वो दूसरे का देख करके गम में बदल गया, क्योंकि आपको ये लगा कि उसका मुझसे बेटर है। कंपैरिजन से एक और प्रॉब्लम होती है, जब भी हम कंपेयर करते हैं ना तो हमारा फोकस खुद से हटकर दूसरे पर्सन पे चले जाता है कि दूसरे ने क्या किया, हमने क्या किया। तो मतलब आपको हमेशा दूसरे की ही चीज़ें नज़र आएगी, अपनी नहीं आएगी। आपको क्या लगेगा कि ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, दूसरे की चीज़ हमें ज़्यादा ग्रीन दिखाई देती है, अपनी नहीं दिखाई देती है। तो ये कंपैरिजन ना करने का सेकंड रीज़न है। तीसरा, हमको हमेशा रिजल्ट्स तो दिख जाते हैं लोगों के, पर एफर्ट नहीं दिखते। हमें दिखता है वो आज कितना अमीर हो गया, उसने आज घर बना लिया, बंगला ले ली, गाड़ी ले ली, उसके पास इतने सारे पैसे हैं। हमें रिजल्ट्स तो दिखा आउटपुट, बट उस रिजल्ट के पीछे का जितना उस इंसान का एफर्ट था हमें वो नहीं दिखा। तो कंपैरिजन के ये थ्री ड्रॉबैक्स हैं। अनदर वेरी बैड हैबिट इज जो लोगों की आदत होती है हमेशा ब्लेम करने की। ब्लेमिंग क्या है कि मेरा ये काम नहीं हुआ उसकी वजह से नहीं हुआ, या मैं इस चीज़ में फेल हो गया तो मैं उसकी वजह से हुआ। आप एक चीज़ याद रखिए, ट्राई टू ऑलवेज टेक 100% ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ऑल फेलियर्स। हाँ बोलो। आपको ये कोशिश करनी है कि अगर आपको कभी भी कोई अचीवमेंट होता है ना ज़िंदगी में, उसका प्लीज़ क्रेडिट दीजिए लोगों को कि मेरी सफलता में इन इन लोगों का हाथ है। या कोई भी हस्बैंड होता है वो बहुत हाई लेवल पे पहुंचता है, तो प्लीज़ आप अपनी वाइफ को या आपके साथ जितने लोग हैं उनको प्लीज़ थोड़ा सा एक्नॉलेज ज़रूर कीजिए कि उन सब का भी मेरी सफलता में हाथ है। लेकिन अगर कभी फेल होते हैं ना तो प्लीज़ डू नॉट ब्लेम अदर्स। अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाने की हिम्मत रखिए कि मैं अगर फेल हुआ तो मेरी वजह से, मेरे ही एफर्ट में हो सकता है कोई कमी रह गई हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिप्रेस हो जाना है, लेकिन प्लीज़ इतने कैपेबल बनिए कि आप अपनी अगर सफलता का क्रेडिट ले सकते हैं ना तो असफलता का भी क्रेडिट लेने की हिम्मत रखिए। फोर्थ वेरी बिग बैड हैबिट इज़ कि अगर जिन लोगों की ना बहुत देर से सो के उठने की आदत होती है, कई लोग होते हैं अलार्म लगा देते हैं, उसको स्नूज कर देंगे, बंद कर देंगे, थोड़ी थोड़ी देर में अलार्म बजता रहेगा, अरे मैं नहीं उठ पाया, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 10 बजे तक हार के, मतलब इतना अलार्म भी बज बज के तंग आ जाते कि भैया क्यों नहीं उठ रहे हो। आप खुद ही अलार्म लगाते हो कि अच्छा कल से तो मैं जल्दी उठूँगा, मैं 5 बजे उठ जाऊँगा, 6 बजे उठ जाऊँगा।
नहीं होता फिर वही आप उठेंगे 9 बजे 10 बजे, तो ये एक लूज़र्स की सबसे बड़ी निशानी है। जो लोग देर से सो के उठते हैं वो ज़िंदगी में बहुत ख़ास कुछ अचीव नहीं कर पाते। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अलग करना है, डू यू वॉन्ट टू बी हाईलाइट, और कुछ ऐसा अलग करना है जो और लोगों ने ना किया हो, तो एक चीज़ प्लीज़ सोना, जल्दी सोना और जल्दी उठने की हैबिट डालिए। इससे आपको आधा काम तो आपका सफलता का यहीं पे तय हो जाएगा। लास्ट वेरी इम्पोर्टेंट बैड हैबिट इज़, कई लोगों की क्या आदत होती है ना, काम शुरू कर लेते हैं लेकिन उसे कभी ख़त्म नहीं कर पाते। ऐसे लोग जिनको ख़त्म करने की आदत ही ना हो वो भी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि हर काम उनका बीच बीच में आधा आधा रहता है। इनफैक्ट मैंने तो कुछ लोग ऐसे देखे हैं, PhD में एनरोल हुए, आधी करी बीच में छोड़ दी, फिर तो दोबारा कहीं और जगह एनरोल कर लिया। भाई 10 बार एनरोल करने से आपकी PhD ख़त्म नहीं होगी। अगर आपको PhD ख़त्म करनी है तो आपको एक ही बार में ख़त्म करनी है, बार बार एनरोलमेंट लेने का फ़ायदा नहीं है। तो जो काम स्टार्ट कर रहे हैं प्लीज़ उसको अंत तक ज़रूर पहुँचाइए। हर चीज़ का अंत अच्छा ही होता है। आप एफर्ट डालिए, डू नॉट कंप्लेन, डू नॉट लोगों को बिल्कुल ब्लेम मत कीजिए, अपनी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए एंड स्टॉप कंपेयरिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आई लव टू हियर फ्रॉम यू। प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिए मैं कौन से वीडियो बनाऊँ या कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।